एनवायरमेंटल स्टडीज, मतलब अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने बारे में, ठीक है। अच्छा आज की डेट बताइए क्या है। आज की डेट है 9 अप्रैल 2021। ओके, मैंने जैसे आपको काउंटिंग करना सिखाई है ना, ऐसे ही आप 9 भी अपने फिंगर्स पे करके देखेगा, फिर लिखेगा 9 अप्रैल 2021, ठीक है। अब हम माय सेल्फ में फर्स्ट पॉइंट पर क्या लिखा है, यहाँ पे माय नेम इज, मतलब मेरा नाम है, मैम का नाम बने क्या है, प्रवनीत कौर। वैसे यहाँ पे सबको अपना नाम लिखना है, ये देखिए मैम ने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पे, और इसके बाद लगाएंगे हम फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पता है क्यों लगाते हैं, उससे आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक सेंटेंस, वन सेंटेंस। ओके, सो माय नेम इज, आपका जो भी नाम है आप वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, आई एम अ गर्ल और बॉय। मैम क्या है, गर्ल है या बॉय है, मैम इज अ गर्ल ना, ठीक है। तो आई एम अ गर्ल, अब आप में से जो भी गर्ल या बॉय है अपने आप सबको ये लिखना है, ठीक है। सो आई एम अ गर्ल, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप, फुल स्टॉप। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, अब है थर्ड पॉइंट, आई एम हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर, बताइए। सब अपने यहाँ पे अपनी एज लिखेंगे, ठीक है। अगर आप 4 इयर्स के हैं तो यहाँ पे आप 4 इयर्स लिखेंगे, अगर 5 इयर्स के हैं तो आप यहाँ पे 5 इयर्स लिखेंगे, ठीक है। आप सबको यहाँ पे अपनी एज लिखनी है। ओके, सो आई एम, जैसे अगर आप 5 इयर्स के हैं तो आई एम 5 इयर्स ओल्ड। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप, हमारा थर्ड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस, आई लिव इन, आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, फतेहगढ़ में कि फर्रुखाबाद में, बताइए बताइए, पता है आपको आप कहाँ रहते हैं। मान लीजिए आप रहते हैं फतेहगढ़ में, तो आप लिखेंगे आई लिव इन फतेहगढ़। ओके, इसके बाद आपको लगाना है फुल स्टॉप। वेरी नाइस, देखिए आपके 4 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस में है माय फादर्स नेम इज, मतलब मेरे पापा का नाम है जगदीप सिंह, या आपके पापा का जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो माय फादर्स नेम इज, जैसे किसी के पापा का नाम मान लीजिए राम कुमार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राम कुमार। ओके, और यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट स्टॉप। वेरी नाइस, अब लिखेंगे हम सिक्स्थ सेंटेंस, माय मदर्स नेम इज, आपकी मम्मा का नाम क्या है, मम्मा का नाम पता है सबको, सो यू राइट अ मदर्स नेम है। मदर्स नेम लिखना आपका होमवर्क है, और हम जूम क्लास में डिस्कस तो करेंगे ही, तो किसी को भी डाउट हो हम जूम क्लास में क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। सो आपके 6 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब मैं एक बार जल्दी ये सारे सेंटेंसेस पढ़ देती हूँ।